राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। हम 21वीं सदी के 22वें बरस में हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा समाज अभी भी जाति पाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो राजस्थान में मूछ रखने पर जान से मारने की घटना सामने ना आती, मटका छूने पर इस मासूम को न मार दिया गया होता, कहीं किसी शादी में घोड़ी चढ़ने से न रोका जाता। ऐसी घटनाओं और अपने साथ हो रहे भेदभाव से आहत हजारों हजार दलित आदिवासी और पिछड़ों ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन में हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ईश्वर ने अवतार लिया, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। मैं श्राद्ध पक्ष कभी नहीं करूँगा और ना ही कभी पिंडदान करूँगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं कर। जानकारी के मुताबिक करीब 10,000 लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म का त्याग कर दिया। लेकिन बड़ी बात ये कि देश की राजधानी दिल्ली में यह सब कुछ हुआ, लेकिन इस खबर को देश की मेनस्ट्रीम मीडिया ने बॉयकॉट कर दिया। दोस्तों, इन लोगों को हिंदू धर्म त्यागने पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं।